तो गाइस अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आप लोगों को व्हाइट ट्रिपल फोर के बारे में तो जरूर पता होगा। ये वही बंदा है जिसके सामने अगर 10 भी बंदे आ जाए ना तो ये सभी को वन टैप हेडशॉट से मार सकता है। और ये बंदा हमारे फ्री फायर का बेस्ट वन टैप हेडशॉट प्लेयर भी माना जाता है। और फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो कि इस बंदे को इसके गेम प्ले की वजह से हैकर बोलते हैं। और यार बोले भी क्यों ना, क्योंकि इस बंदे का जो गेम प्ले है इतना खतरनाक जो है। और गाइस व्हाइट ट्रिपल फोर वो बंदा है जिसे हमारे फ्री फायर के बहुत बड़े बड़े लेजेंड जैसे कि साइबलस, बीएनएल इन सबको हरा रखा है। लेकिन इसके बाद भी गाइस आप लोगों ने एक बात तो जरूर सोचोगी, भाई ये बंदा इतना खतरनाक खेलता है लेकिन क्या हमारे फ्री फायर के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जो व्हाइट ट्रिपल फोर को हरा सके? और इसका आंसर है हाँ, हमारे फ्री फायर के अंदर 5 ऐसे प्लेयर्स हैं ना जिनका अगर कस्टम व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ होता है तो यार वो बंदे व्हाइट ट्रिपल फोर को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और गाइस एक चीज जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसलिए इसके अंदर मैं आपको 5 प्लेयर्स दिखाऊंगा जिनमें से 2 प्लेयर्स तो हमारे इंडियन सर्वर से ही हैं। तो यार अगर आप लोग भी हमारे इंडियन सर्वर से हो तो गाइस आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेयर नंबर 5 से। तो गाइस नंबर 5 पे जो हमारा प्लेयर आता है उसका नाम है व्हाइट एफएफ। अब यहां पर हम लोग ध्यान से सुनना, मैं व्हाइट ट्रिपल फोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हाइट एफएफ की। और यार यहां पर जो सबसे शॉकिंग चीज है ना वो ये है कि ये बंदा एक आईफोन प्लेयर है। मतलब ये बंदा ना तो एंड्रॉइड पे खेलता है और ना ही पीसी पे खेलता है, जो ये बंदा आसानी से हैक यूज कर पाए। क्योंकि यार आपको ये चीज तो पता होगी कि आईफोन पे हैक वगैरह नहीं लगता है। लेकिन यार इसके बाद भी इस बंदे का जो गेम प्ले ना भाई किसी हैकर से कम नहीं लगता है। और यार बहुत सारे बंदे इसको बिना मतलब के हैकर भी बोल देते हैं। लेकिन यार असली बात तो ये है, आप लोग इस बंदे के जो एबनॉर्मल से हेडशॉट देख रहे हो ये फ्री फायर के अंदर ही कोई ग्लिच है जिसकी वजह से ऐसे हेडशॉट लग पाते हैं। और यार उनको मैंने खुद ट्राई करके देखा था, भाई सच में उससे हेडशॉट लगते हैं लेकिन यार उसको भी प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। और उन ग्लिचेस के अलावा भी भाई ये बंदा जो बिना स्कोप के हेड मारता है ना वो तो ये बंदा नॉर्मल ही मारता है। और शायद ये बंदा फ्री फायर का एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसके गेम प्ले के अंदर आपको एक भी येलो नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यार बंदा मारता है तो भाई सीधा हेडशॉट, उससे नीचे तो ये बंदा बात ही नहीं करता है। एक बार आप लोग इस बंदे का गेम प्ले देखो। तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई ये बंदा कितना खतरनाक खेल रहा था। और अगर कोई बंदा इसका गेम प्ले स्पेक्टेट में देखेगा ना तो ये बात मैं 100% कह सकता हूँ, भाई वो बंदा सबसे पहले इस बंदे को हैकर बोलेगा। या फिर अगर हैकर नहीं भी बोला तो भाई पीसी प्लेयर तो पक्का बोलेगा। वैसे यार आप लोग बताना आपको व्हाइट एफएफ का गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो गाइस बिना किसी देर के बात करें तुम्हारे प्लेयर नंबर 4 की। तो गाइस नंबर 4 पे जो प्लेयर आता है इस बंदे का नाम है स्मूथ 444। और ये बंदा हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर है। इस बंदे का पीसी चाहे इतना अच्छा नहीं हो लेकिन भाई इसके बाद भी इस बंदे का जो गेम प्ले ना भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। यार सबसे पहले तो आप लोग इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले देखो, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। बताइए, अरे यार भाई गाइस यार मतलब होमवर्क बैठ गया होगा बंदों में, क्या बोलते हो क्या यहाँ पे? अरे भाई हेडशॉट भाई, दिल्ली में खोप बैठ गया होगा या नहीं बैठ गया होगा। स्मूथ यहाँ पे आगे बढ़ते हो और आई थिंक यहाँ पे एक दो और खतरनाक हेडशॉट, एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई है। ओ भाई बहुत ही। तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई बंदा कितना ज्यादा खतरनाक खेलता है। ये बंदा नॉनस्टॉप गेमिंग के लाइव स्ट्रीम में 1v6 कस्टम खेलता है और उसमें बंदों को इतनी आसानी से हेडशॉट मारता है ना मानो ये बंदा कोई हैकर हो। लेकिन यार बहुत बंदे इस बंदे का पीसी चेक कर चुके हैं, ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि बंदा कोई भी हैकर नहीं है बल्कि एक फेयर प्लेयर है। तो आप लोग खुद सोच लो भाई, जो बंदा फेयर खेल के इतना अच्छा खेलता हो वो बंदा व्हाइट 444 को तो आराम से हरा सकता है। वैसे यार एक बार स्मूथ 444 और व्हाइट 444 का कस्टम हुआ था लेकिन अफसोस की बात यह है वो 1v1 नहीं था बल्कि 4v4 था। लेकिन यार इसके बाद भी वहां पर जीती थी हमारी इंडिया की टीम, मतलब की स्मूथ 444 की टीम। तो गाइस आप लोग बताना आपको स्मूथ 444 का गेम प्ले कैसा लगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे प्लेयर नंबर 3 की। तो गाइस नंबर 3 पे आता है हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर जो कि है विंसेंजो। अब अगर आप लोग बोलो कि आपको विंसेंजो के बारे में नहीं पता तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार जितने बंदे फ्री फायर को कम से कम 3-4 महीने पहले से खेल रहे हैं तो गाइस उनमें से हर एक बंदे को विंसेंजो के बारे में पता है। और यार डालने को तो मैं बहुत सारी मीना सर्वर के पीसी प्लेयर को डाल सकता था लेकिन यार वहां के मैक्सिमम पीसी प्लेयर्स हैकर होते हैं। लेकिन यार ये जो विंसेंजो है इसका गेम प्ले 100% फेयर है और ये बंदा कोई भी हैक वगैरह यूज नहीं करता है। लेकिन यार इसके बाद भी इस बंदे का जो गेम प्ले ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब अगर ये बंदा कोई भी गोली मारता है ना तो भाई वो गोली जाकर सीधा सामने वाले बंदे के हेड पे लगती है। और यार यही चीज विंसेंजो को बहुत ज्यादा ओपी बनाती है। और क्योंकि यार इस बंदे की जो गोलियां होती हैं इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, इसके बाद इस बंदे का जो मूवमेंट है वो भी काफी बढ़िया है। यार इसी वजह से मुझे लगता है अगर इस बंदे का कस्टम व्हाइट 444 के साथ होता है तो गाइस ये बंदा व्हाइट 444 को हरा सकता है। तो चलो फिर मैं आपको विंसेंजो का थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिरकार ये बंदा कैसा खेलता है। Killing
तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई, इस बंदे को सिर्फ M500 मिली थी, उससे इस बंदे ने पूरे 6 बंदों को मार दिया। सोचो अगर इस बंदे को शॉटगन मिल गई तो भाई उसके बाद तो इस बंदे का गेम प्ले कैसा ही होगा। सो आप लोग बताना आपको विंसेंस का गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो फिर हम लोग देख लेते हैं हमारा प्लेयर नंबर 2। तो गाइस नंबर 2 पे जो प्लेयर आता है वो हमारे इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर, हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रायस्टार है। यार वैसे तो बात मैं जानता हूं, आप सभी बंदे रायस्टार को जानते होंगे, लेकिन जितने बंदे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, गाइस ये वो बंदा है जो कि हमारे इंडिया में सबसे पहले वन टैप हेडशॉट लेकर आया था। और ये वही बंदा है जिसके ड्रैग हेडशॉट इतने कमाल के थे, जिसको देखकर पूरे वर्ल्ड के लोग रायस्टार को कर बोलने लगे थे। लेकिन जब आगे जाकर बंदों को समझ में आया कि भाई ये चीज हैक नहीं है बल्कि स्किल्स, उस टाइम पे रायस्टार हमारे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और ये जो हेडशॉट बंदे अभी मारते हैं भाई, ये चीज रायस्टार 2-3 साल पहले करता था। मतलब जिस टाइम पे बंदे अपोनेंट को बॉडी शॉट से भी नहीं मार पाते थे, उस टाइम पे रायस्टार मारता था ड्रैग हेडशॉट। और यार जो बंदा फ्री फायर के अंदर इतने पहले से हेडशॉट मार रहा है, इतने पहले से इतना अच्छा गेम प्ले कर रहा है, तो आप लोग खुद बताओ वो बंदा Y444 को क्यों नहीं हरा सकता। और अभी जो मैं आपको ये गेम प्ले दिखा रहा हूं, ये रायस्टार का 1 साल पुराना गेम प्ले, लेकिन इसके अंदर भी आप लोग देखो भाई एक भी येलो नंबर नहीं है। जितनी भी गोली पड़ रही है सीधा सामने वाले बंदों को हेडशॉट ही पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि रायस्टार का ये जो गेम प्ले है बस उसकी वीडियो के अंदर होता है। जब ये बंदा नॉर्मली किसी का कस्टम खेल रहा होता है या फिर किसी लाइव स्ट्रीम के अंदर खेल रहा होता है, तब भी रायस्टार सामने वाले बंदों को सिर्फ हेडशॉट ही मारता है। तो ये चीज तो कंफर्म होती है रायस्टार रियल में भी ऐसा ही खेलता है। तो चलो गाइस यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया अपने पूरे 4 प्लेयर्स। अभी आप लोग सोचोगे भाई टॉप 1 पर कौन हो सकता है। तो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर जो टॉप 1 पे बंदा आता है, मैं आपको बता दूं उस बंदे ने ऑलरेडी Y444 को 1v1 के अंदर हरा रखा है। तो गाइस यहां पर मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं उसका नाम है Moro777। तो गाइस अभी तक मैंने आपको लिस्ट के अंदर जितने प्लेयर्स दिखाए थे उनको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ वो सारे प्लेयर एकदम फेयर थे। लेकिन यार जब इस बंदे का गेम प्ले मैंने देखा था ना, मुझे 90% तक ये चीज लग रही थी ये बंदा कोई हैकर है। एंड जहां तक मुझे पता है ये बंदा पैनल यूज करता है। अब यार वैसे तो इस बंदे का नाम मैं लिस्ट के अंदर नहीं डालता, लेकिन यार इस बंदे ने Y444 को 2.5 साल पहले हराया था, जब फ्री फायर के अंदर पैनल वाला हैक नहीं होता था। और हो सकता है शायद उस टाइम पे ये बंदा फेयर खेलता हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये वही मैच है जिसके अंदर Y444 और इस बंदे का कस्टम हुआ था। यहाँ पर दोनों बंदों के 6-6 राउंड पहुंच गए। और यहाँ पर जो बंदा इनको इंस्पेक्टेड कर रहा है वो बंदा साइबलस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Y444 तो उस बंदे को पूरा रश कर रहा था, लेकिन यार वो बंदा ग्लूवल से बाहर ही नहीं निकल रहा था। लेकिन लगता है Y444 कुछ ज्यादा ही मूवमेंट के अंदर आ गया था, और जैसे वो उसके ऊपर रश कर रहा था सामने से Moro777 ने Y444 को बहुत ही आसानी से मार दिया। और इसी साथ इस बंदे ने Y444 को 1v1 के अंदर हरा दिया। तो बस गाइस ये थे आज के टॉप 5 प्लेयर जो कि मुझे लगता है कि Y444 को हरा सकते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनमें से बेस्ट प्लेयर कौन सा लगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।